हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo Y02T एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है अडेप्टिव ब्राइटनेस सेटिंग को अपना डिसेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑफ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये अडेप्टिव ब्राइटनेस सेटिंग जो है डिसेबल करने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको ये ऑप्शन मिलेगा अडेप्टिव ब्राइटनेस, इस ऑप्शन के सामने वाले बटन को आपको टैप करना है, तो ये बटन आपका ब्लैक कलर में ऑफ हो जाएगा, यानी कि ये सेटिंग आपकी इस तरीके से डिसेबल हो जाती है, ठीक है। अभी सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी ये मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, ये जो आपका ब्राइटनेस लेवल है ना, ये आपका स्टेटस बार में भी होता है, यहां पर ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इस ब्राइटनेस लेवल को आपको ना अपने हाथों से कम करना पड़ेगा और इसे ज़्यादा भी आपको अपने हाथों से ही करना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों होता क्या है कि ये सेटिंग डिसेबल करने के बाद ना आपको अपने हाथों से ही ब्राइटनेस लेवल को कम या ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन ये सेटिंग डिसेबल करने से पहले आपका मोबाइल फ़ोन जो है ना ऑटोमेटिक इस ब्राइटनेस लेवल को कम या ज़्यादा करता था, लेकिन अब आपने सेटिंग को ऑफ कर दिया तो आपको अपने हाथों से करना पड़ेगा ये सब ब्राइटनेस लेवल कम या ज़्यादा, ठीक है। तो ये सेटिंग ऐसे काम करेगी डिसेबल करने के बाद। अब मैं आपको ये अडेप्टिव ब्राइटनेस सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूँ आपके फोन में। इसके लिए आपको मोबाइल फोन का ये सेटिंग पेज ना फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलता है सर्च आइकन का, इसे आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है सेटिंग का नेम अडेप्टिव ब्राइटनेस, ठीक है। इस तरीके से तो आपको जो है ना नीचे की साइड में ये ऑप्शन शो हो जाएगा अडेप्टिव ब्राइटनेस का। यहाँ पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप ये सबसे ऊपर सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको ना स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पर सर्च बार में स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब ये ऑप्शन नीचे की साइड शो हो जाता है तो इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में लेकर आ जाता है और इसे हाईलाइट करता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।